हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम आप सबको और जय माता दी। मैं अभी आई थी प्रियांश को दवाई दिलाने के लिए, शाम को 6 बजे आई थी, भीड़ कम होती है इसलिए। तो चलिए गाइस अभी हम दो किलो कर दो मेरे भी। खाने नहीं तूने आम? खाने हैं ना अभी। तो हम आम लेने लगे हैं। आज मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी, उसका बहुत ही डीपली मीनिंग निकलता है, ठीक है आप उसको ध्यान से सुनना। उस मैं ना एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज़ की है, जो मैंने देखा है कि जब तक आप किसी के लिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा करते रहो वो इंसान आपको ठीक है एक गलत नहीं बोलेगा। लेकिन अगर मतलब कुछ आदमी या लड़के लगा लो, वो ऐसे होते हैं पहले तो आपके साथ रिलेशन में रहेंगे, है ना, कि दोस्ती है सिर्फ दोस्ती तक रहेंगे, ठीक है। और हम उस दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भाई ये इंसान गलत नहीं है। लेकिन बाद में वही इंसान आपको लेके गंदी सोच रखने लग जाए कि हाँ हमें मिल जाए, इसका पति नहीं है तो हमारे साथ सेट हो जाएगी, इस तरीके की सोच रखने लग जाते हैं, है ना। और उसके बाद जब अगर हम उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दें कि नहीं हमें गलत रास्ते नहीं जाना, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे संस्कार ये हमें अलाउ नहीं करते कि हम किसी और के साथ, अगर हमारा पति नहीं है हमारे साथ, इसका मतलब ये नहीं कि हम जगह जगह धक्के खाते रहे, मुँह मारते रहे। हम जब प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं तो वो लोग हमें इतना गंदा बोलते हैं। मेरे लिए एक लड़के ने मतलब कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, देख तो मैंने लिया था, लेकिन उस दिन से वो स्टेटस मेरे ऐसे दिमाग में छपा है ना। तो आज जब मैंने ये वो वीडियो देखी तो मैंने परफेक्ट वो वीडियो लगाई है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि इस तरीके से भी कोई कैसे सोच सकता है, कैसे किसी की सोच इतनी गंदी हो सकती है। और उसने मतलब बोला था चवल जनानी नेटिव पे भोंक दी, इस तरीके से मुझे चवल बोला, ठीक है। तो मैं उस इंसान को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब तक आपके साथ हम अच्छा अच्छा बिहेव करते हैं, आपके साथ हम दोस्ती के रिश्ते में हैं या कुछ भी लगा लो, है ना, कि आपको अच्छा समझ रहे, अच्छा बिहेव कर रहे, तब तक हम आपके लिए अच्छे, जब तक हम आपका हर एक चीज़ बर्दाश्त करें तब तक अच्छे। लेकिन अगर आपको गलती पे टोकने लग जाए या कुछ चीज़ हमें बुरी लग गई है, हम उस चीज़ पे अगर आपको समझाने लग जाए, आपको जवाब देने लग जाए, तो हम चवल हो जाती हैं। अगर कोई आपकी गंदी निगाह हमारे ऊपर हो रही है, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम चवल हो जाते हैं, है ना। मतलब किस तरीके से आप किसी को इतना गंदा बोल सकते हो। अगर तुम्हारे साथ सेट भी हो जाएंगे ना, और तुम कल को तुम फ़ायदा उठा के चलते बनोगे, उसके बाद अगर हम तुम्हारे पीछे रोएंगे ना, तो वो तब भी तुम लोगों ने चवल ही बोलना। तो इससे अच्छा तुम अभी चवल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम से कम हम तो अपना करैक्टर ख़राब नहीं करें ना। और मैंने इतना अपनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस कर लिया कि अगर किसी औरत का, किसी अकेली औरत का पति मर चुका है या फिर उसका डिवोर्स हुआ है या किसी भी वजह से अपने पति के साथ नहीं रह रही है, अलग रहना पड़ रहा है, तो आदमी लोग होते हैं ना, ये सोचते हैं कि हाँ अभी ये हमारे साथ सेट हो जाएगी। मतलब उनको ये मौका मिल जाता है कि हाँ हमारे साथ सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए माता रानी का और बाबा जी का, मैं आज चोला लेने आई थी, मैंने सूखा था कि मुझे घर मिल जाए तो मैं चोला लेने आऊँगी, तो घर मुझे मिल गया है। ये देखो कौन आ गया, ये देखो ये मेरी ऐशु आ गई, वो तो जाने दो उसको, उसको नहीं हम देखते। ऐशु हाँ, ऐशु आ गई हमारी, ऐशु ठीक है, रखते मैं दो फ्रिजे, हाँ मैं पहले ही काट दे, और काट ला एक, मैंगो लेके आई थी मैं, मेरी ऐशु साथ खेलती हूँ मैं, मेरा ऐशु बच्चा है, गम्मी में नहीं है भाई अंदर जाते की बनी फिर दिया है गर्मी चे बुरा हाल, साढ़े घर कितने भी नहीं आगी, डॉक्टर दे बैठे से सी, सानू ना डॉक्टर दे मम्मी ऐ ऐ होवे, असि इत्थे बैठ रही है, असि चल दई जी ना आगी आगी भाई, देखो 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 इसमें शीशे में दिखेगी, इसका फेस ही नहीं दिखा पा रही ना, ये देखो मम्मी का इतना ही सोच लेके आई, वाओ ढाई सौ की आंदा फिर मेरा भी लिया सूट, मेरा सीता पिया होगा, मेरे तो सूट वीडियो में दिखा दी, और तो दो, एक ब्लैक
का नेवी ब्लू का सॉक्स मिलेगा। हाँ मेरा का अब बॉटम ना नहीं ये इकट्ठा है सूट। तेन याद सी मैंने लहंगा लिता हो गरम जी मिल गया है और फाइनल भी हो गया। जो रेंट मैंने उनको बोला था वो उतने में मान गए हैं क्योंकि अंकल जी मम्मी को जानते थे, मतलब हमारे वहाँ ना मतलब सब्जी वगैरह बेचते थे वो, तो वो जानते हैं हमारे घर वालों को, मेरी दादी को, मम्मी को, पापा को, हमारी फैमिली को ऑलमोस्ट मोगा में सब जानते हैं। कोई पापा के जानकार मिल जाते हैं, कोई दादी के मिल जाते हैं, कोई मम्मी के मिल जाते हैं, क्योंकि एक वेल कहते हैं ना रिस्पेक्टेड फैमिली है हमारी, पूरे मोगे में सब जानते हैं और इज्जत करते हैं। तो फिर जब उनको पता चला कि मैं माता जी की पोती हूँ तो उन्होंने फटाक से बोल दिया कि बेटा तू जितना तेरे को अच्छा लगे तू उतना रेंट दे देना, कोई बात नहीं, बस तू आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये बात। अब बना के रखनी मेरे हाथ में कि मैं उनके साथ बना के रखूं। बना के तो मैंने इनके साथ भी रखी थी, बट वही बात है ना, सिर्फ एक बिजली के बिल के पीछे और एक एसी की हीट के पीछे क्या मैंने बोल दिया, तो उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, इतना गलत बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनकी पीठ सुनती है कि जब से मैं यहाँ पर आई थी तब से लेके ये मतलब क्या बोलते हैं बहस ये जो हमारी हुई है बिजली के बिल को लेके, इससे पहले तक वो लोग बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव करते थे, मैं भी उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। कभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कभी ऊंची आवाज़ में कुछ गलत बोला हो या कभी नहीं कुछ भी बोला, हमेशा मुझे अप्रिशिएट ही किया है कि तू अकेली और अकेली सब कुछ कैसे हैंडल कर लेती है। तो बोलते थे कि हाँ हमें मतलब भी मेरी हमेशा बड़ियाई करते थे कि तू अकेली होके इतना सब कुछ हैंडल कर लेती है, धन है कहते तू जो तू इतना कर लेती है, प्राउड फील होता है तेरे पे। तो मतलब मेरे बारे में बहुत हमेशा अच्छा ही बोलते, इवन गली मोहल्ले में भी जब कोई मिलता था तो बोलते थे बहुत फेमस है ये, यूट्यूबर है ये, मतलब हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही बोलते थे, तो मैं भी इनकी इतनी ही रिस्पेक्ट करती थी। तो गाइज अभी आज ना लाइट नहीं है, कहीं पे भी लाइट नहीं है, मेरे तो चलो इन्वर्टर था तो थोड़ा सा यहाँ बेडरूम में है, पंखा वगैरह चल रहा, किचन में भी अंधेरा अंधेरा हो रखा है। तो मैंने सोचा कि चल आज मैं कुछ बाहर से ले जाती हूँ, कि बहुत दिन हो गए थे मैंने वैसे भी बाहर का कुछ खाया नहीं था, आप जानते ही हो। तो आज मैंने कहा चलो कभी कभी तो हम खा ही सकते हैं, डेली नहीं तो कभी कभी तो खा सकते हैं। तो मैं हाफ प्लेट मोमोज लेके आई थी आज, तो बस वही मैंने 6 पीस थे उसमें, तो मैंने वही खाया क्योंकि मैंने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो सुबह का खाना खाया हुआ था मैंने, भिंडी मम्मी के घर गई थी, भिंडी और रोटी खाई थी, तब से बस खाना खाया था, सारा दिन हो गया भूखे भूखे निकाल दिया। तो फिर मैंने मतलब कि वो थोड़े से मोमोज खाए लेके आई थी गीता भवन में से, जो वो तिब्बत वाले हैं ना उनके वहाँ से लेके आई थी मैं, तो बस मैंने वही थोड़े से खाए। उसके बाद मैं माता रानी का और बाबा जी का चोला लेके आई हूँ, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी कि देखो इनके साथ मेरा किसने मुझे कमेंट किया था कि तुमने तुम्हारी इनके साथ क्या बात हुई है, क्यों ऐसे खाली कर रहे हो, बहुत कमेंट्स आए थे मेरी आज वाली जो आज सुबह वीडियो डाली उसके ऊपर। तो गाइज मुझे मेरे इनसे कोई ऐसी नहीं हुई है कि बहुत ज़्यादा कोई मतलब बुराई करने वाली चीज़ नहीं हुई है, सिर्फ एक छोटी सी बात थी जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है। मतलब मेरे पास पैसे अब कम होते हैं, मेरी सैलरी कम बनती है, इंस्टॉलमेंट्स बहुत ज़्यादा जाती है मेरी, तो रेंट रुंट पे करना होता है। तो इस मुझे ये था कि ये थोड़ी सी इनको तो बल्कि थोड़ी हेल्प करनी चाहिए थी, मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, बट उल्टा इन्होंने क्या किया, बिजली की जो यूनिट है वो 6-7 रुपये यूनिट चल रहा है रेट, इन्होंने 9 रुपये यूनिट मेरे से हमेशा ली है, सारी सर्दियों में भी बिल लिया है, गर्मियों में भी अब बिल ले रहे हैं, ठीक है, पिछले महीने 1200 लिए, उससे पहले 500-600 ऐसे बिल लेते रहे हैं।
तो मैं हमेशा पे करती रही हूँ। इस बार मैंने देखा कि यार इस हिसाब से 9 रुपये के यूनिट के हिसाब से बहुत बिल बन जाएगा। मैंने फिर बिजली वाले ऐप पे जो बिल काटते हैं, मम्मी का बिल काट रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या यूनिट चल रही है, तो वो कह रहे 6.5 रुपये है। तो मैंने कहा 6.5 रुपये है कहते हाँ। तो उन्होंने फिर बिल काट के मम्मी औरों का दिया, 750 कुछ बिल आया सिर्फ। ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि उनका 750 बिल आया सिर्फ, तो उनके दिन रात एसी चलता है, सब कुछ उनके चलता है, पूरा इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी कोठी है, सब कुछ चलता है, फिर भी उनका बिल सिर्फ 750 आया। और मैं यहाँ पे इतना बिल, मतलब मुझे इतना पता है इस महीने भी 2000-2500 बिल तो आराम से, इन दिनों का ही जो जितने भी दिन मैं यह रही हूँ उतने दिनों का भी, 15-20 दिनों का इतना निकालेंगे ये लोग, क्योंकि 9 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस इसी बात मैंने उनको बोला कि मैं 9 रुपये नहीं देती, भी मैंने बिजली वालों से बात करवाई है आपकी, तो 6 रुपये उन्होंने आपको 6-7 रुपये बताया, तो आप मेरे से 9 रुपये कैसे ले रहे हो, जो सरकार का रेट है वही रेट लगेगा ना, आप मेरे से ज़्यादा कैसे ले सकते हो। कहते हमारे तो घर का यही है, देना दे नहीं तो खाली करो, फिर ये बिहेवियर था उनका। ठीक है, फिर पीछे पहले इन्होंने खुद ही बोला, पहले दिन जिन्होंने जब इन्होंने नीचे एसी चलाया ऊपर पूरी हीट आ गई, ऊपर ये जाल है यहाँ पे मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया है, तो बहुत ज़्यादा हीट आई। तो मैंने इनको बोला कि दीदी हीट आ रही है, तो इन्होंने बोला ढक दो, तुम मैट लेके ढक दो। मैंने ढक दिया, इन्होंने बोला तुम शीट लगवा लो, मैंने कहा ठीक है दीदी मैं ढक दूंगी, लेकिन इनके जब ढक दिया तो इनके नीचे हीट हो गई, तो वो बात तो चलो जायज़ है, इनका जो विंडो एसी लगा हुआ है तो उसकी हीट नीचे आती है, तो इनका दम घुटने को हो जाता है और एसी भी ख़राब होगा, इस वजह से इन्होंने बोला ऊपर से उगाड़ दे। अब ऊपर से उगाड़ दूँ उनका तो सही हो जाएगा चलो हीट का, लेकिन मेरा यहाँ ऊपर पूरी हीट भर रही थी और मेरा यहाँ पे रहना इतना मुश्किल था, मेरे बच्चे को वैसे ही आपको पता सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको मेरे को खुद को सांस लेने में दिक्कत होती है, मैं मेरे को भी इनहेलर लेना पड़ता है कई बार, जब मेरे ज़्यादा दम घुटने लग जाता है, तो जब हम माँ बेटे को इतनी सांस की प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रहती है, तो हमारा तो दम घुट जाएगा, इतनी गर्मी बर्दाश्त कहाँ से हम कर लेंगे। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा दी बहुत ज़्यादा होती है, आप ऊपर आके तो देखो मेरा तो फ्रिज एसी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मैंने कहा इतनी पहले ही वैसे ही हीट इतनी है, ऊपर गर्मी इतनी है, ऊपर लोकेशन ऑब्वियसली गर्म होता है, साथ में भी कोई मकान नहीं है, खाली एरिया है, तो सारी सीधी हवा आती है, गर्म लू चलती है, सारी अंदर आती है, ऊपर से नीचे से ही उसकी एसी की हीट आती है। तो उन्होंने बोला कि हमारा तो भाई एसी ख़राब हो जाएगा, तुम खाली करो। तो इस तरीके से जब बोला, मेरे से बहुत गंदे तरीके से बोला। फिर जब उन्होंने ये बात बोली ना कि मोहताज वाले कि तू इस वक्त मोहताज है, तू हमारे सामने बोल नहीं सकती, तो फिर जो मैं ये लाइन बोली ना मोहताज वाली, उस टाइम से मेरा बिल्कुल मोह प्यार सब खत्म हो गया इनके साथ। मैंने कहा अब मुझे बस खाली करना है, बस अब अपनापन बस कुछ नहीं रखना, खाली करना है। मैं इतने घरों में रह के आई हूँ, हमेशा गगन से वो लोग लड़ाई करते थे, गगन से वो लोग गुस्सा होते थे, मेरे से कभी कोई गुस्सा नहीं हुआ, मेरे इतना मेरे को प्यार करते, इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते। सिर्फ एक अंकल थे, उन्होंने मेरी सिक्योरिटी दबा ली थी, मेरी सिक्योरिटी के पैसे 5000 रुपये दिए रही थे, दबा लिए थे। ठीक है, उनको उन्होंने मेरे को रातों रात सामान चकवाया था, क्योंकि उस टाइम कुछ गंदी हरकत हो गई थी मेरे साथ, इस वजह से वो घर हमें खाली करना पड़ा था, क्योंकि वो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था, तो बस कई चीज़ें नहीं बताने लायक होती, तो ऐसी हरकत हुई थी, इसलिए मुझे वो घर खाली करना पड़ा था। ठीक है, वरना बाकी जहाँ पे भी रहे कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, गगन से होता था, गगन के साथ जो भी होती थी नशे के पीछे वो जो बोल देता था उनको, मेरे साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इनके साथ भी मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। यहाँ पे बस मैंने बिजली के बिल का बोला कि मैं 7 रुपये यूनिट आपको दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, तो बोले मैंने 9 ही लेनी है, मेरा तो खुद का घर का रूल है ये 9 ही देनी लेनी है हमने तो यूनिट। फिर ऐसे तो ये लोग कल को बोल देंगे मैंने 20 रुपये यूनिट लेनी है, तो मैं 20 रुपये यूनिट के हिसाब से दूंगी, थोड़ा ये दिमाग आप भी सोचो, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि बेटर है यार मैं इसको मतलब खाली कर दूँ तो ज़्यादा बढ़िया है, तो इसलिए मैंने खाली करने का सोचा। तो चलिए गाइस मैं वीडियो को एंड करती, चोले आपको ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा नहीं तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री श्याम आप सबको, जय माता दी, बाबा श्याम की कृपा मेरे पे हो रही है और होती रहे ऐसे ही, और आप सब दुआई देते रहे मुझे। तो बस बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो आपका आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।